चलो बच्चों, अब हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे गांधी बापू ने अपने स्कूल के साल बिताए हैं, राजकोट। बच्चों, ये है कबाका डेला। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी को कबा कहते थे। बच्चों, करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी जी अपनी छोटी उम्र में पोरबंदर से इस घर में रहने के लिए आए थे। 1881 से लेकर 1920 तक वे लोग इस घर में रहे। फिर परिस्थिति के कारण उनको ये घर बेचना पड़ा और फिर उस समय के सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री ढेवरभाई ने ये घर खरीद लिया। लेकिन फिर गांधी बापू की 100वीं जन्म जयंती पर गांधी स्मृति के नाम से म्यूजियम के रूप में समाज को अर्पित कर लिया। जहां हम खड़े हैं ना, वो है गांधी बापू का कमरा। गांधी जी अपने स्कूल के दिनों में यही रहते थे। और बच्चों, तुम्हें पता है, जिंदगी में कभी भी शराब को और मांसाहार को ना छूने की और हमेशा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा उन्होंने यहीं पे ली थी। और यहीं पे उनके मन में क्रांतिकारी विचारों का जन्म हुआ था। और फिर इसी घर से वो साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए। अंकल, यहाँ पे सच में गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पता चला, हमें बहुत मजा आया। अरे लेकिन बच्चों, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी और क्या देखना बाकी है बाबा? स्कूल। क्या भिड़े अंकल, यहाँ पर भी आकर स्कूल? अरे गोया, ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। महात्मा गांधी जी जहाँ पढ़े थे वो स्कूल गांधी जी का स्कूल। बच्चों, ये है अल्फ्रेड हाई स्कूल। महात्मा गांधी जी की पढ़ाई इसी स्कूल में हुई थी। आजादी के बाद गांधी जी के सम्मान में इस स्कूल का नाम रखा गया मोहनदास गांधी विद्यालय। और बच्चों, पिछले साल ही राजकोट की महानगर पालिका ने इसे गांधी म्यूजियम का रूप दिया है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो चलिए ना, जल्दी से अंदर जाके देखते हैं। हाँ चलो चलो, मैंने तो टिकट्स भी ले लिए। चलो देखो बच्चों, इस दृश्य को देखो। ये दृश्य हमें ये बताता है कि गांधी जी बच्चों को कैसे पढ़ाते थे। बाबा, हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, गांधी बापू ने अपना बचपन यहाँ पर बिताया था और अपनी स्कूल की पूरी पढ़ाई भी उन्होंने यहीं पर की थी। 18 साल की उम्र तक यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी भावनगर और मुंबई गए। और हाँ, फिर बैरिस्टर बनने के लिए वो लंदन गए। गांधी बापू की मार्कशीट ये देखो, यहां पे उनका नाम है मोहनदास और यहां पे लिखा हुआ है पास। हमने गांधी जी का जन्म स्थल, घर, स्कूल ये सब तो देख लिया है। अब हम जाएंगे गांधी जी के आश्रम। आओ बच्चों, आओ। ये देखो, ये है गांधी जी का कोचरब आश्रम। ये गांधी जी का देश का सबसे पहला आश्रम है। मतलब अहमदाबाद में गांधी जी के दो दो आश्रम हैं? हाँ, इसकी स्थापना साबरमती आश्रम से भी पहले हुई थी 1915 में। यहाँ पर लोगों को स्वावलंबन, समानता, सादगी, शिक्षण जैसी आंतरिक और आर्थिक उन्नति से जुड़ी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता था। और इन सब प्रवृत्तियों के लिए जगह कम पड़ने की वजह से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। और हाँ बच्चों, ये वो भूमि है जहाँ पर गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले थे और हमारे देश को दूसरे महापुरुष की प्राप्ति हुई। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। और हाँ बच्चों, आश्रम में नौकर ना रखने का आग्रह था,
इसलिए खाना बनाना, पानी भरना, सफाई करना, ये सभी काम आश्रमवासी खुद किया करते थे। चलो अंदर चलते। साउथ अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला आश्रम बनाने के लिए अहमदाबाद को चुना और इसी कोचराव आश्रम से भारत में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रवास की शुरुआत हुई। ये देखो, ये इस आश्रम का है रसोई घर का। ये देखो, यहाँ पे समय भी लिखा हुआ है, सुबह 6:30 से 7 के बीच में सुबह का नाश्ता, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में दोपहर का खाना, और रात का खाना तो देखो उसका समय देखो, शाम को 5 से 6 के बीच में खाना खा लेते थे। दादाजी, 6 बजे के बाद भूख लगे तो? उस जमाने में सब लोग जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते थे। तभी क्या है ना बेटा कि ये मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी वो सब नहीं था ना। हाँ तो बच्चों, मजा आया कि नहीं? हाँ दादाजी, बहुत मजा आया। हाँ तो चलो, अभी मैं तुमको ले चलता हूँ साबरमती आश्रम।